नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 5 अप्रैल। सबसे पहले पिछले हफ्ते की बात करें तो काफी छोटा हफ्ता था। हमने देखा 1 अप्रैल को भी मार्केट छुट्टी पे था, 2 अप्रैल को भी छुट्टी था, तो कंटिन्यू 4 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट आज ओपन होता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम पिछले हफ्ते के शॉर्ट वीक की बात करें तो इसके अंदर भी हमने देखा USDIR के अंदर करीबन 0.5% से ज़्यादा की तेजी बनी। USDIR की तेजी के चलते ही हमने यूरो GBP JPY में भी हमने तेजी बनते हुए देखी है। ओवरऑल ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा करेंसी मार्केट के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़े सेंट्रल बैंक्स की अपडेट्स आनी है और साथ में कोविड कंसर्न जो बढ़ रहा है इसके ऊपर गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी इसका भी इम्पैक्ट प्राइजेस पे आते हुए दिखेगा। वहीं सबसे पहले अगर हम USDINR की बात करें, बुधवार के सेशन में हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर गिरावट थी और 73.42 का लेवल क्रॉस हुआ। नो डाउट दिन के सेशन में हमने तेजी देखी थी, बट हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमने ये तेजी देखी। इक्विटी मार्केट के अंदर हमने रिकवरी देखी, 15,000 तक निफ्टी चले गया था, वो भी एक मुख्य कारण। बट आज की ओपनिंग एक थोड़ी पॉजिटिव दिखा सकता है 73.52, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो डॉलर्स स्टेबल है बट कहीं ना कहीं रुपये में बड़ी गिरावट देख सकते हैं, जिससे इंडिया में हमने देखा 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना वायरस के इंपैक्ट का, जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट इक्विटी मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और रुपये पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। ईयर एंड में जनरली हम देखते हैं कि डॉलर की डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से भी हमें लगता है कि प्राइजेस 73.60 से 73.70 तक का लेवल दिखा देगा। यूरो GBP दोनों में ही हमने गिरावट आती हुई देखी, जिस दिन से कोविड कंसर्न यूरोप में फैला हुआ है उसका भी इंपैक्ट यूरोप में पड़ता हुआ दिखाई दिया और 0.5% की गिरावट के साथ 86.24 के करीब मार्केट क्लोज हुआ। वहीं हमने पाउंड में भी गिरावट आती हुई देखी, बट आज दोनों की ही ओपनिंग पॉजिटिव होगी, जो 86.55 के करीब यूरो INR और GBP INR 101.80 तक का लेवल दिखा देगा, बट सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। दिन के सेशन में चीजें पॉजिटिव रह सकती है USDINR की तेजी के चलते, बट ओवरऑल हमें लगता है कि डॉलर में 2 दिन की गिरावट है, उसके बाद वापस पुल बैक आ जाएगा, तो दोनों काउंटर पे ध्यान रखिए। वहीं JPY में भी हमने 0.5% की गिरावट के बाद आज की ओपनिंग पॉजिटिव रहेगी, जो 66.50 के करीब है। हायर साइड पे 66.70-80 तक का लेवल दिखाते बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो आज यूरोपियन मार्केट बंद है, चाइना मार्केट बंद है, बट US से अगर हम बात करें तो फाइनल सर्विस PMI के आंकड़े स्टेबल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ISM सर्विस PMI के आंकड़े थोड़े अच्छे हैं, बट फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा काफी खराब है, जिसकी वजह से डॉलर पे हम दबाव देख पाएंगे। चार्टिकली अगर हम बात करें तो USDINR में तेजी रहेगी, जो 73.70 से 73.80 का लेवल दिखा सकता है, बट सस्टेनेबल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच कर जाए तो हम अच्छी तेजी देख पाएंगे, जो लग भी रहा है कि ये महीने में हम 74.60 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं यूरो की बात करें तो डाउनवर्ड क्रॉसिंग हो चुकी है, बट प्राइजेस में आज एक पुल बैक है, जो 86.80-86.90 तक का लेवल दिखा दे, 87 के ऊपर एज ऑफ नाउ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।